गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी को एक और नया ब्लॉग के साथ। तो सुबह सुबह जो है दोस्तों इतना बारिश दिया तो अभी थोड़ा थोड़ा धूप आने लगे है दोस्तों। तो अभी देख सकते हो अभी थोड़ा थोड़ा धूप आने लगे है। तो अभी भी इतना भरोसा नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि जो है सुबह से लेके अभी 10 बजे तक जो है बारिश लगातार दे रहा है। टाइम जो है दोस्तों हम पूरा जो है सोते रहे, क्योंकि जो है इतना बाहर से निकलने का चांस ही नहीं है। तो बारिश के चक्कर में जो है पूरा नींद आया मुझे, तो इसलिए मैं सुबह से लेके अभी मैं उठा हुआ, पैसा वगैरह हो गया अभी उठ के। तो आज का ब्लॉगिंग बिल्कुल जो है दोस्तों दोपहर से शुरू हो रहा है अभी तक, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं किया हम लोगों ने। अभी 10:06 हो गया दोस्तों, तो उसी में इस टाइम पर हम ब्लॉगिंग शुरू कर दिया हूँ। तो आज का लोकेशन जो है दोस्तों, हम कल जो है यहाँ में मतलब आदुबांगासोरा गांव में आए हैं यहाँ में घूमने के लिए। तो बंती जी के पास, बंती जी के साथ साथ हम भी आए हैं दोस्तों, वो भी वहाँ में हम लोग मंदिर पे घूमने गए थे ना, तो उसके साथ हम घूमने आए हैं। तो वो बोला है कि यहाँ में मतलब अनारस वगैरह है, तो अनारस वगैरह खाने के लिए जाएगा कि नहीं, और मेरे साथ जाओ अनारस वगैरह खाने को मिला है, तो इसलिए हम आए हैं दोस्तों। लेकिन बहुत सारे अनारस वगैरह खाने को मिला है। कल आते ही हम लोगों ने जो है इतना पूरा जो है तीन तीन खा दिया है दोस्तों अनारस। तो यहाँ में इतना सारा मतलब बहुत बड़ा एक बगीचे है अनारस का बगीचे। तो देखिए यहाँ ये जो है दोस्तों मंदिर का एरिया, आदुबांगासोरा विलेज का मंदिर का एरिया, तो आप लोग देख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों, इतना साफ सुथरा है, और यहाँ में तो इतना बड़ा एरिया है ना, देख सकते हो मंदिर का एरिया। तो यहाँ में जो है भिक्खु आवास, तो ये जो है मेन टेम्पल जिसको बोलते हैं हम लोग द महल का। तो यहाँ में जो है पूजा वगैरह जब होता है और वो यही मतलब यहाँ में पूजा करते हैं, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों हम लोग का मेन टेम्पल, तो मतलब क्या बोलता है और जो है हम लोग द महल बोलते हैं, तो आप लोग भी समझा सकते हो द महल के, ठीक है। तो गाइस आज का ब्लॉगिंग जो है बिल्कुल यहाँ से इस गाँव से शुरू हो रहा है, और तो देखते हैं गाइस आज हम लोग शाम को यहाँ से लौटने वाले हैं हमारे मंदिर पर, हमारा मंदिर पे लौटेंगे दोस्तों। तो आप लोग आज का वीडियो में ज़रूर बने रहेगा दोस्तों। आज का मौसम तो इतना ठीक ठाक भी नहीं लग रहा है, फिर भी ऐसा ही थोड़ा थोड़ा मतलब धीमे धीमे करके धूप तो आ रहा है। तो देख सकते हो अभी भी मतलब थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके धूप तो आ रहा है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं कर सकता हम। तो ऊपर से इतना काले काले जो है पूरा क्लाउड से इतना दाग लिया है दोस्तों बादल ने, तो देख सकते हो पूरा जो है अंधेरा अंधेरा, फिर भी मुझे तो ऐसे ही लग रहा है अंधेरा अंधेरा। तो इस तरफ जो है दोस्तों पूरा आप लोग को आदुबांगासोरा का गांव देखने को मिलेगा। तो ये रहा रास्ता जिस तरफ मंदिर पे आना पड़ता है दोस्तों, तो ये रहा रास्ता इस तरफ जाना पड़ता है, तो उस तरफ गांव है। तो थोड़ा देर के बाद हम लोग लंच भी करने वाले हैं दोस्तों। ऐसे लंच का टाइम तो कब पहले भी आ चुका है, फिर भी हम ब्लॉगिंग शुरू कर दिया है, क्योंकि जो है ब्लॉगिंग तो इतना दिन के बाद मैं एक बार ब्लॉग बनाता हूँ, तो इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि एक तो मेरा मोबाइल ख़राब है दोस्तों, तो इसी के वजह से हम इतना अच्छे से ब्लॉगिंग कर नहीं पाते हैं। जब हम मतलब दूर दूर से आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है मुझे, क्योंकि जो है मैं आप लोगों को जब दूर दूर से कुछ ना कुछ चीज़ों को दिखाने का कोशिश करता हूँ, तब मुझे मेरा कैमरा में जूम नहीं होता है, वही मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन वाइड एंगल तो है मेरे पास भी, फिर भी अच्छा ही नहीं लगता है दोस्तों मुझे, क्योंकि वाइड एंगल जब मैं यूज़ करता हूँ ना, तब जूम नहीं कर सकता है, इसीलिए वही दिक्कत होता है मेरे लिए। तो इसलिए मुझे जब से ज़्यादा वही अच्छा नहीं लगता है दोस्तों ब्लॉगिंग करने में। तो कल जो है दोस्तों हम लोगों ने यहाँ में जो पोल का पौधा लगाया है, जब बारिश दे रही थी ना कल, देखिए कल शाम को लगाया है बंती जी और हम। तो देखिए यहाँ में इसको हम लोग मुनी फूल बोलते हैं दोस्तों, और इसको जो है बुद्ध फूल, और ये भी बहुत सारे हम लोगों ने लगाया जो बिल्कुल सीढ़ी के पास में दोस्तों। तो देखिए पूरा जो ये जो रास्ता है पूरा ये जो रास्ता देख रहे हो गाइस, साथ साथ जो है बाई तरफ और दाई तरफ करके हम लोगों ने लगाया, तो देख सकते हो। तो ये रहा जो मेन मंदिर। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोग को अंदर का दिखा देता हूँ, मंदिर के अंदर मतलब द महल के अंदर जाके देखते हैं, भगवान बुद्ध को भी दिखाएंगे। तो ये रहा कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा अंदर का नज़ारा। तो ये होता है द महल गाइस। तो फिर भी ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, यहाँ में मतलब विलेजर्स इतना मतलब इतना पॉपुलेशन नहीं है ना यहाँ में, इसीलिए तो इतने में तो फिर भी ठीक है ना। फिर भी तो हम लोग का जो भगवान बुद्ध का जो एक क्या बोलता है सीन होता है दोस्तों, फिर भी वो तो रहता है ना,
तो फिर भी ठीक है। तो ये रहा भगवान बुद्ध का मूर्ति, यहाँ में बहुत सारे बड़ा बड़ा भगवान बुद्ध का मूर्ति रखा है दोस्तों, तो देख सकते हो, और छोटा छोटा वाला भी है देख सकते हो। तो ये रहा, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग बुद्ध आसन ही बोलते हैं गाइस। तो ये पूरा कोला मिल, ये पूरा मिलके हम लोग दमहली कहते हैं, क्योंकि जो है हम लोग यहाँ में पूजा वगैरह करते हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसको दमहली कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देर के बाद हम लोग खाना भी खाएंगे दोस्तों, ऐसे 10 बज के तो खाना मिलता है पंडित जी लोगों का। तो पंडित जी लोग खाना खाने के बाद जो है हम लोग को खाना खाने मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में बने रहेगा पूरा एंड तक। तो मैं आप लोगों को जैसे भी करके ट्राई करूँगा, और जो भी हो, और अगर कोई भी चीज़ मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा आज का वीडियो में। तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, एंड जाते टाइम में जरूर एक बार लाइक कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ से बिल्कुल दोपहर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस, अभी जो है हम लोग लंच के लिए आए हैं दोस्तों, और फाइनल लंच रेडी हो चुका है। तो यहाँ में देखिए दोस्तों, पूरा जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्जी यहाँ में आके देखने को मिल रहा है मुझे। और देखिए दोस्तों, यहाँ में चौबीन और बम्बू शूट, और यहाँ में आलू है, और यहाँ में जो पूरा लोकल फिश गाइस, लोकल मछली, तो ये जो है लोकल है। और यहाँ में देखिए बीन्स भी पूरा लोकल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, और कद्दू का साग भी है दोस्तों, और लौकी का साग, और यहाँ में देखिए गाइस बीन्स, बहुत सारे सब्जियाँ है दोस्तों। मैं आप लोग को पूरा का पूरा दिखा नहीं पाऊंगा, फाइनली देखिए मेरा प्लेट जो है रेडी हो चुका है गाइस खाने के लिए। तो गाइस चलो अभी करते हैं लंच, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। तो ये हमें दादाजी और दादी माँ देखिए सभी ने बैठ गए हैं लंच के लिए दोस्तों। तो चलो गाइस करते हैं लंच, भूख तो बहुत ही ज़्यादा जोर से भूख लग रहा है गाइस। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्जियाँ के साथ करते हैं लंच। बीन्स गाइस, बीन्स मतलब ये जो है गाइस पूरा लोकल है, ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के साथ खाना खाने को मिल रहा है बहुत दिन के बाद। तो गाइस चलो करते हैं लंच पहले, उसके बाद मिलते हैं। वाह यस गाइस, आज जो है दोस्तों हम लोग खाना खाने के बाद यहाँ से लौटेंगे हमारे घर पे, मतलब मंदिर पे, हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ में। तो आप लोग पूरा वीडियो में यहाँ तक बने रहेगा तब पता चलेगा हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है, कैसे जाएंगे, वो सब मैं आप लोग को इस ब्लॉग में बताऊँगा। पहले करते हैं लंच। ये रहा गाइस बम्बू सूट, यहाँ में आकर पूरा जो है लोकल लोकल, उस चंगते में तो क्या बोल रहा है गाइस, कमला नगर में थोड़ा देर से लेके आता है ना, इतना स्वादिष्ट नहीं होता है वो वाला, इसलिए यहाँ में जो पूरा जो है नगर खाना पड़ता है, खाना खाने को मिलता है, जंगल से लेके आओगे पूरा जो है साथ ही साथ बना के खाओ, कुछ इस तरह बना के खाना तो थोड़ा अलग से मज़ा होता है। अभी जो है हम लोग खाना खा चुके हैं दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों खाना, क्योंकि जो है यहाँ में पहली बार आके जो है दोस्तों इतना ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग खाते हैं दोस्तों, अभी हम लोग खाएंगे यहाँ से अनारस। तो इसके लिए आया था ना मैंने अनारस खाने के लिए, बंदे जी ने मुझे बुला के लेके आया अनारस खाने के लिए। चलो ऐसे खाना खाने के बाद जो मतलब कुछ पूर्ति वगैरह खाने में तो थोड़ा अलग सा मज़ा होता है दोस्तों, हेल्थी से ही रहता है। चलो करते हैं अभी, करते हैं गाइस। तो अभी जो है हम लोग घर पहुंच गए हैं मंदिर पे। तो हम लोग का जो है दोस्तों पूरा जो है पैदल पैदल आना पड़ा, और इतना पाँव दर्द हुआ दोस्तों, इतना पाँव दर्द हुआ, दर्द हो गया है अभी भी। तो फाइनली जो है पहुंच गए दोस्तों हम लोगों का मंदिर पे। तो आप लोग को तो इतना मतलब कुछ देखा नहीं पाया दोस्तों, तो आते आते टाइम पे हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, जो है बंदे जी है ना तब, इसलिए हम ब्लॉगिंग नहीं किया दोस्तों। वो जो है एक्चुअली बंदे जी कैमरा में आना नहीं चाहते, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं बनाया। तो यहाँ में पहुँचते ही मैं मतलब एंडिंग को कम्प्लीट कर रहा हूँ, एंडिंग को दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो फाइनली जो दोस्तों पहुँच गया है, तो आप लोगों को तो मैंने आधुबांगसरा गाँव का
मंदिर तो देखा है, तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा दोस्तों आज का ब्लॉग को। तो आज का ब्लॉग को अच्छा लगे तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना कभी कभी मत भूलना दोस्तों। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ दोस्तों। बाय बाय।